नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, मासिक राशिफल की इस कड़ी में आज हम आपके लिए दिसंबर माह के बारे में जानकारी देंगे कि दिसंबर माह मिथुन राशि वालों का कैसे जाने वाला है। जैसा कि हम प्रत्येक राशि के प्रारंभ में बताते हैं कि मासिक राशिफल हम आपको चार सप्ताह के आधार पर बताते हैं, यानी उसमें चार सप्ताह का आपका अलग अलग राशिफल रहेगा, जिसको हमने एक साथ एक ही माह के अंदर समावेश कर दिया है। तो इसी में एक माह के अंदर में आप चारों हफ्तों का अलग अलग अपना राशिफल भी देख सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वीडियो को आप सुनेंगे तो इसमें आपको चारों हफ्तों का हाल मिल जाएगा। तो मित्रों, दिसंबर यानी कि 2019 का आखिरी जो माह है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके संदर्भ में आज हम आपसे बात करेंगे। 1 से 7 दिसंबर आने पहला सप्ताह जो है वो मिथुन राशि वालों का कैसा जाने वाला है। 1 से 2 तारीख तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए अनुकूल समय नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसमें इस समय आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आपको थोड़ा सा आलस्य आएगा। आलस्य के कारण आप अपने किसी भी कार्य में मन आपका नहीं लग पाएगा, परिवार में भी सुख शांति का अनुभव का जो है सुख शांति आपकी कम रहेगी, परिवार में थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि आपका मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा। आप जब स्वयं ठीक नहीं रहेंगे तो फिर परिवार के लोग कैसे ठीक रह पाएंगे, इसलिए थोड़ी सी मानसिक परेशानी से आपको निकलने का यह समय रहेगा। 3, 4 और 5 दिसंबर को आपका जो है वो सामान्य फलों का देने वाला समय रहेगा, यानी फल जो है आपको सामान्य रूप से मिलेंगे। लाभ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें लाभ में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं तो अधिकारी वर्ग जो है इस समय आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं, लेकिन मानसिक परेशानी आपको पहले की भांति बनी रहेगी। मानसिक तनाव में आप घिरे रहेंगे, हालांकि भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आपको प्रेम यथावत मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मानसिक परेशानी में आप रहेंगे, इसलिए थोड़ी सी शारीरिक थकावट आपको महसूस होती रहेगी। 6 एवं 7 दिसंबर को आपका सम्मान बढ़ेगा, कार्यों का फल आपको मिलेगा। जो कार्य आपके अटके हुए थे इन दिनों में, जहाँ आपका मन नहीं लग रहा था, मानसिक परेशानी थी, वो कार्य फिर इस समय आपके उत्तम होने के योग बन रहे हैं, लेकिन आँख से संबंधित कोई परेशानी आपके लिए घेर सकती है। 2 सप्ताह दिसंबर का यानी 8 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर का तक का जो समय है वो मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का जाने वाला है। 8 से 10 दिसंबर तक का जो समय है वो मध्यम समय रहेगा। शादी विवाह आदि में आप व्यस्त रहेंगे, आपके परिवार में कोई शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है, आपके घर में कोई शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है, उसमें आपकी व्यस्तता ज़्यादा रहेगी। यदि आपने किसी को धन दिया हुआ है तो उसके वापस मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, आय में आपकी वृद्धि होने की संकेत दिखाई दे रहे हैं। 11 एवं 12 दिसंबर को नसों में आपके थोड़े से खिंचाव आ सकता है, पेट के, हाथ के या पैर की नसों में आपका खिंचाव महसूस आप कर सकते हैं। पेट में दर्द, सीने में दर्द आदि आपके लिए अस्वास्थ्य के कारण बन सकते हैं। इस समय आपके लिए पेट दर्द व आपके सिर दर्द आदि हो सकता है। खान पान में इस समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना चाहिए व जो डेली रूटीन का जो चेकअप है वो आपको कराते रहना चाहिए। 13 व 14 दिसंबर को समय आपका जो है अनुकूल रहेगा, कुछ आपको शुभ समाचार मिलने का समय रहेगा, और राजकीय कार्यों में यदि आप किसी में यदि कोई राजकीय कार्य है तो उसमें आपको जो है सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। 15 तारीख को शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन शत्रु पक्ष आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो आपका कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास ज़रूर करेंगे।
तीसरा सप्ताह जो है वो आपका कैंसा रहेगा। 16 से लेकर के 23 दिसंबर तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए कैंसा जाने वाला है। 16 तारीख को आपको मानसिक शांति मिलेगी। अभी तक जो आप थोड़े से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, इस समय आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, मानसिक शांति आपके दिमाग में रहेगी। परिवार के जो उलझे काम हैं उनको आप ठीक करने में आप सहायक सिद्ध होंगे। उनको आप किसी प्रकार जो परिवार की समस्याएं उलझी हुई थी उनको सुलझाने में आप जो है निश्चित रूप से सफल होने के लिए जा रहे हैं। 17 और 18 दिसंबर को जो है पूरा आप प्रबंधन जो भी है वो आप अपने हाथ में लेंगे और उसको किसी भी तरह आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो कार्य आपके बिगड़ गए थे उनको आप ठीक करने का प्रयास करेंगे। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से आपका की मुलाकात हो सकती है, कोई घनिष्ठ मित्र या कोई घनिष्ठ जो है आपका रिश्तेदार आपसे मुलाकात कर सकता है, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा। घर में वातावरण आपका बढ़िया रहने वाला है। मकान या दुकान आदि आप बदल सकते हैं। यदि आप मकान बदलने की सोच रहे हैं, यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं या आपने कोई नया मकान बनाया है तो उसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, या आपने कहीं दुकान यदि आप काफ़ी समय से चला रहे हैं लेकिन आप उसमें कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं तो ये इस समय ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि आप मकान या दुकान को बदल सकते हैं। 19, 20 और 21 तारीख को अचानक घर में मेहमानों का आगमन होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ जाएगी। कुछ ऐसे मेहमान आ जाएंगे, रिस्पेक्टेड लोग रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होने की संभावना दिख रही है। 22 व 23 दिसंबर को आपको ज्ञानवर्धक आपका समय रहेगा। कुछ आपको सत साहित्य में आपका मन लगेगा, अच्छे पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी व अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने का आपके मन में इच्छा जागृत होगी। अंतिम सप्ताह यानी इस वर्ष का जो अंतिम सप्ताह है वो आपका कैसे जाने वाला, 24 से 31 दिसंबर तक का समय आप यानी मिथुन राशि के जो जातकों का है वो कैसे जाने वाला है। 24 से 25 दिसंबर को तरक्की का समय है, आपकी जो है तरक्की होने वाली है। पति पत्नी में जो आपसी मतभेद चल रहा था वो तालमेल आपका इस समय सही रहेगा, आपका तालमेल सही बैठेगा। 26-27 तारीख को आपके पक्ष में जो है वो समय रहेगा, आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्रा भी आप इस समय कर सकते हैं। 28 और 30 तारीख को मध्य आप यात्रा में, यदि आप यात्रा कर रहे हैं और 28 और 30 तारीख को यदि आप यात्रा में हैं तो उस समय आपके लिए यात्रा में कष्ट हो सकता है। कोई गलत व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो किसी संकट में आपको डाल सकता है, इसलिए यात्रा के समय आप अनजान व्यक्ति से थोड़ा सा सतर्क रहें। किसी अनजान व्यक्ति से आपको उस समय ज़्यादा प्रेम संबंध नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा वह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, आपको किसी परेशानी में वह डाल सकता है। 31 दिसंबर का दिन यानी वर्ष का दिन जो अंतिम दिन है वो आपका सुखमय बीतने जा रहा है। वर्ष का अंतिम दिन आप अच्छे अपने परिवार के साथ में सुखद रूप से मनाने के लिए जा रहे हैं। तो मित्रों, यह तो हुआ दिसंबर माह का मिथुन राशि का मासिक राशिफल, जो कि हमने 4 हफ्तों का अलग अलग आपको राशिफल बताने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने आपसे मित्रों वादा किया था कि हम आपको वार्षिक राशिफल भी लेकर के आएंगे, जो दिसंबर के मध्य में हम YouTube चैनल पर डालेंगे, तो वार्षिक राशिफल भी आप इंतजार करें। वार्षिक राशिफल हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमारे जो इष्ट मित्र हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी सभी की इच्छाओं के लिए हमने जो है YouTube चैनल पर वार्षिक राशिफल भी हम देंगे। और इसी प्रकार यदि आप लोगों का स्नेह रहेगा तो फिर हम 1 जनवरी 2020 से दैनिक राशिफल भी देना प्रारंभ करेंगे और उस दैनिक राशिफल में हम छोटे छोटे जीवन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं के समाधान के भी उपाय आपके लिए बताएंगे। आशा है मित्रों आप लोगों को यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, और यदि आप लोगों को हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, वीडियो पसंद आते हैं, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को ज़रूर आप भेजें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के जीवन पर बनी रहे। यही सदैव माँ गायत्री से हमारे से जुड़े हुए समस्त लोगों के प्रति हम कामना करते हैं। आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखें, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।